कॉमनवेल्थ के खेलों में भारत को वेटलिफ्टिंग में दूसरा गोल्ड, 67 किलोग्राम कैटेगरी में जेरेमी को मिला है गोल्ड। मीराबाई शानू के गोल पर देश भर में जश्न, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी है बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि मीराबाई शानू ने भारत को एक बार फिर से गौरवान्वित किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में बिंदिया रानी देवी ने वुमेन्स वेटलिफ्टिंग में 55 किलो बार वर्ग में जीता है सिल्वर। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में गुरुराजा पुजारी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 67 किलो भार वर्ग में गुरुराजा पुजारी ने जीता है ब्रॉन्ज। मुंबई में ईडी ने संजय राउत को लिया हिरासत में, 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। 1034 करोड़ के पात्रा चोल घोटाले का मामला, संजय राउत पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। संजय राउत के घर के बाहर जोरदार नारेबाजी, संजय राउत के समर्थकों ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईडी के एक्शन के बाद संजय राउत का ट्वीट, महाराष्ट्र और शिवसेना के लिए लड़ते रहेंगे, शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। संजय राउत ने एक ट्वीट में लिखा है कि मैं मर जाऊंगा फिर भी सरेंडर नहीं करूंगा, झूठी कार्रवाई है, झूठे सबूत। ईडी एक्शन पर बोले हैं बीजेपी नेता किरीट सोमैया, संजय राउत का हिसाब होगा, संजय राउत ने जमीन घोटाला किया, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जरूरी। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का समापन, सीएम योगी ने तुलसीपीठ में जगत गुरु राम भद्राचार्य से की है मुलाकात, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने के लिए पहुंचे सीएम योगी। चित्रकूट में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का सपा पर तंज, कहा बीजेपी वंशवाद की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता ही करते हैं नेतृत्व, हमारे लिए सत्ता समाज सेवा साधन है। कृष्ण प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, चित्रकूट प्रशिक्षण शिविर को लेकर किया है ट्वीट और ट्वीट पर पलटवार, अखिलेश का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। जीयूपीयूके के से मंत्री सूर्य प्रताप शाही की बातचीत, प्रधानमंत्री के विजन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, विकास की रफ्तार देंगे। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आखिरी दिन, नेताओं ने किया है नानाजी देशमुख को नमन, म्यूजियम एवं शोध संस्थान का भ्रमण। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी में किए हैं दर्शन पूजन, राम जन्मभूमि परिसर जाकर मंदिर निर्माण का लिया जायजा। एमएलसी उपचुनाव को लेकर सपा ने कीर्ति कोल को सपा ने बनाया है उम्मीदवार, कल नामांकन दाखिल करेंगे कीर्ति कोल, आदिवासी समाज से आती हैं कीर्ति कोल। लेखपाल भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाइयों पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ कानपुर समेत 6 जिलों से 23 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में देवबंद के मदरसे में एटीएस का छापा, मदरसे से फारूक नाम के छात्र को हिरासत में लिया गया, कर्नाटक का रहने वाला बताया जा रहा फारूक। बांदा में अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी से की है मुलाकात, बीएसपी सांसद ने बांदा जेल में मुख्तार से की है मुलाकात। कानपुर में हुई बेकनगंज हिंसा मामले में हाजी वसी के बेटे की मदद करने वाला लेखपाल निलंबित, अवैध निर्माण में मदद करने का आरोप। हमीरपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में करोड़ों के घोटाला आया है सामने, बैंक कैशियर पर करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप। प्रयागराज में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, हेलीकॉप्टर से की गई है पुष्प वर्षा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, रिक्शा में सवार होकर जा रहे थे 3 बदमाश। बुलंदशहर में नामी बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़, मुठभेड़ में घायल हुआ हिस्ट्री शीटर बदमाश, पुलिस ने नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बिजनौर में बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में 1 सिपाही और बदमाश को लगी गोली। मुजफ्फरनगर मासूम के साथ रेप का मामला, गांव के युवक पर 8 साल की मासूम बच्ची के साथ कुकर्म करने का आरोप, परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। इटावा में ट्रक ने सवारियों से भरे हुए ऑटो में मारी है जोरदार टक्कर, 3 की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिजनौर में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, कार और बस की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। हरदोई में भी रोडवेज बस और कांवड़ियों में कांवड़ी से भरी हुई ट्रॉली में हुई है टक्कर, हादसे में 1 कांवड़िए की मौत, 9 लोग घायल। हरदोई में अनियंत्रित बाइक पुलिया के नीचे घुसी है, 1 की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए, घायलों को सीएचसी हरपालपुर में भर्ती कराया। यूएसएन बीकेयू देश में आज भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथरस में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, 13 लाख लोगों ने पहली डोज ली है, वहीं पर 12 लाख के पार दूसरी डोज लगाई गई। हरदोई में कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर देवर भाभी की हुई मौत, पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया।
गाजीपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तकरीबन 7,50,000 झंडा बनाने का लक्ष्य रखा गया। ललितपुर में वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए, चोरी की 6 बाइक्स बरामद। उधम सिंह नगर में एडीएम ने किया है जसपुर एसडीएम कोर्ट तहसील का निरीक्षण, लंबित दायर वादों का समय से निस्तारण न होने पर निर्देश। जालौन में 61 होनहारों को यूपी अनुसूचित जाति विकास निगम की तरफ से टैबलेट वितरित किए गए हैं। फरुखाबाद में एसपी नेता जितेंद्र यादव की हत्या की साजिश का पर्दाफाश, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव और उनके बेटे पर आरोप। मथुरा में हरियाली तीज पर वृंदावन में बांके बिहारी में उमड़ा है भक्तों का सैलाब, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में चल रहा हिंडोला उत्सव। हरियाली तीज को लेकर वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था सख्त हुई है, 18 करोड़ के स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजेंगे ठाकुर बांके बिहारी। बुलंदशहर जिला जेल में तीज की धूम देखने को मिली है, वहीं पर महिला सुहागिन बंदियों ने जेल में मनाया है तीजोत्सव। बुलंदशहर में सरेराहा युवक की लोगों ने की है पिटाई, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। चित्रकूट में झंडा बैंक का डीएम ने किया उद्घाटन, जिले में 2,46,000 लगाए जाएंगे तिरंगा झंडे। डॉक्टर संजीव मिश्रा बनाए गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सालय विश्वविद्यालय के कुलपति, फिलहाल जोधपुर एम्स के डायरेक्टर हैं संजीव मिश्रा। बहराइच में युवक की हत्या कर शव नाले में फेंका गया, बेल्ट से बंधे मिले मृतक युवक के हाथ पांव। हमीरपुर में पुल ना बनने से बड़ी है मुसीबत, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग, नाव में भूसे की तरह बैठकर लोग पार कर रहे हैं नदी। बुलंदशहर में चोरों का आतंक देखने को मिला, खुर्जा के एक घर में चोरों ने दिया है वारदात को अंजाम। महोबा में सांप और कुत्ते की लड़ाई का वीडियो, एक दूसरे से टकरा रहे हैं सांप और कुत्ता। ग्रेटर नोएडा में 2 दर्जन युवकों ने दुकान में घुसकर की है तोड़फोड़, दिव्यांग दुकानदार और उसके भाई को बुरी तरह से पीटा गया। अमरोहा में शादीशुदा युवक ने पत्नी के उत्पीड़न से परेशान होकर बनाया वीडियो, युवक ने वीडियो शेयर करने के बाद की आत्महत्या। कुशीनगर में 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया, एक तमंचा कारतूस बरामद हुआ। कानपुर में सुपारी कारोबारी की हत्या के मामले में व्यापारियों में आक्रोश है, पुलिस ने दिया है जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन। नोएडा के प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं बच्चों की जान के साथ खिलवाड़, आरटीओ की चेकिंग में बगैर फिटनेस के मिले हैं 100 स्कूलों की 300 बसें। फतेहपुर में ढाबा मालिक बाप बेटे की लाठी डंडों से पिटाई की गई है, ढाबे के पार्क में जानवर छोड़ने पर किया था विरोध। अमरोहा में गंगा उफान पर है, बिजनौर बैराज से लगातार गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। देहरादून में सीएम धामी ने सुना है पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को, सीएम धामी बोले अमृत उत्सव का आयोजन किया जा रहा। जी यूपी के पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कहा कि कार्यकारिणी में बदलाव नहीं किया जाएगा, दूर दूर तक किसी बदलाव की कोई बात नहीं। देहरादून में 4,600 ग्रेड पे पर प्रदर्शन की हुंकार, पुलिस जवानों के परिजनों ने किया है विरोध प्रदर्शन। उत्तरकाशी में सबसे लंबी कनक दंडवत यात्रा, 3 महात्माओं ने निकाली है यात्रा। उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक मामले को लेकर 24 घंटे में एसटीएफ की ताबड़तोड़ दबिश, एक दर्जन से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, अब तक 11 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। टिहरी में बारिश के चलते आवासीय भवन हुआ ध्वस्त, घर वालों ने भाग कर बचाई अपनी जान। उत्तरकाशी में लगातार बारिश बनी है मुसीबत, कई मकानों में आई है दरारें, पैदल के रास्ते क्षतिग्रस्त, डर के साए में लोग। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, नैनीताल आसपास के इलाकों में लगातार बारिश जारी। देहरादून के पटेल नगर इलाके में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी है टक्कर। नैनीताल में पर्यावरण प्रेमी चंदन नयाल की कामयाबी, 3,000 से ज्यादा बना दिए छोटे तालाब, बिना किसी आर्थिक मदद से बनी है चालखाल। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर लामबगढ़ का नाला जो है फिर से बंद हुआ है, रास्ते को फिर से खोलने में जुटा है प्रशासन। मन की बात में बोले हैं पीएम मोदी, कहा कि हम ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहे हैं, देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि तिरंगा अभियान से हर घर जुड़े, 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चले। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी, सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी को किया है ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए सेना के खोजी कुत्ते एक्सेल को दी गई है श्रद्धांजलि।
संजय अरोड़ा होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, कल से संभालेंगे कार्यभार। एमपी में अवैध शराब पर सरकार सख्त है, सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए हैं अवैध शराब की बिक्री रोकने के निर्देश। पटना में भवन निर्माण कार्यक्रम विभाग के कार्यपालक अभियंता फिरोज आलम के ठिकानों पर छापेमारी, ईओडब्ल्यू ने पटना और दिल्ली की आवास पर की है कार्रवाई। झारखंड के गोड्डा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, चार ट्रकों से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। हजारीबाग में हत्या के 12 दिनों बाद जो है नदी में मिला है युवक का शव, साथियों ने ही मिलकर कर दी थी हत्या। दिल्ली में नई शराब नीति खत्म होने पर शराब की दुकानों में भारी डिस्काउंट। मध्य प्रदेश में बेतवा और धस्सान नदी में छोड़ा गया है 3733 क्यूसेक पानी। देश के 25 विद्वानों ने पीएम मोदी को लिखी है खुली चिट्ठी, एएमयू जामिया सहित कई विश्वविद्यालयों में जिहाद पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम पर रोक की मांग। पटना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, एयरपोर्ट पर शाह का जोरदार स्वागत, पटना में चल रहे बीजेपी के कार्यकारिणी बैठक का करेंगे समापन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना साहिब गुरुद्वारे में टेका है माथा, नड्डा ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का किया है दर्शन। हावड़ा कैशकांड में कांग्रेस के तीनों विधायक निलंबित, सोनिया गांधी ने तीनों विधायकों को निलंबित किया। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी और खिचड़ी के विधायक राजेश कच्छप निलंबित हुए हैं, वहीं पर कोलेबीरा के विधायक नमन बिक्सल कोंगारी को कांग्रेस ने सस्पेंड किया। हावड़ा कैशकांड में कांग्रेस विधायकों से नहीं मिली ठोस जानकारी, साड़ी खरीदने के लिए लाए थे नोटों के बंडल, सूत्रों के वाले से खबर। झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायक जांच में नहीं कर रहे हैं सहयोग, विधायकों के मोबाइल फोन को भी खंगाला जा रहा, सूत्रों के वाले से खबर। बंगाल में एक और कैश कांड, हावड़ा में कांग्रेस के तीन विधायक हिरासत में, गाड़ी से मिला है भारी मात्रा में कैश। ओबीसी का एक और नफरती बयान आया सामने, हिंदुत्व को बताया है अंतहीन कुआं, कहा बीजेपी में मची है नीचे गिरने की होड़, कर्नाटक के सीएम के बयान पर पड़ के भाईचार। एनएससी अजय डोभाल का बड़ा बयान, कहा कि धर्म और विचार के नाम पर कुछ लोग कर रहे हैं भारत की छवि धूमिल, विकास में बाधा डालने का काम। क्वार्टर फाइनल में पहुंची है भारत की लवलीना बोरगोहेन, न्यूजीलैंड की बॉक्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई है जगह, अब मेडल से महज जीत दूर है लवलीना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पाकिस्तान से आज मुकाबला, पदक की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी है। कॉमनवेल्थ में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है, भारतीय टीम की लगातार दूसरी जीत। इराक में एक बार फिर से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद पर कब्जे की कोशिश की है, संसद के बाहर जमकर नारेबाजी की। अमेरिका के केंटकी में बाढ़ से बिगड़े हैं हालात, बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मौत हो गई। यूरोप में बढ़ रहा है मंकी पॉक्स का खतरा, यूरोप के स्पेन में मंकी पॉक्स से दूसरी मौत। यूक्रेन में खार्किव में रूस ने फिर से किया है हमला, रूस ने दागी है 3 मिसाइलें। सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सूबेदार योगेंद्र यादव की बायोपिक बनाएगी एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह। विमिसार के रिलीज से पहले ही अपने सौतेले भाई कल्याण राम की तारीफ में बोले जूनियर एनटीआर, कहा कि और कोई नहीं निभा सकता विमिसार की भूमिका। पॉपुलर सिंगर अर्जुन कानूनगो अपनी मंगेतकर कार्ला डेनिस से करेंगे शादी, 10 अगस्त को दोनों हिंदू रीति रिवाज के साथ करेंगे शादी। धमकी भरा खत मिलने के मामले में सलमान खान ने बढ़ाई है अपनी सुरक्षा, कार को किया है अपग्रेड, हथियार लाइसेंस के लिए भी कर चुके हैं आवेदन।